आज की हमारी रेसिपी अचारी आलू बैंगन के लिए। यहाँ पे मैंने लिए बैंगन, बैंगन को मैंने काट लिया है, आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना और सफेद जीरा। कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, कुकिंग ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे, प्याजों को हम कर लेंगे फ्राई। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हमने फ्राई कर लेना है हमारे प्याजों के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे हम शामिल करेंगे टमाटर, टमाटर को भी हमने कर लेना है फ्राई इनके साथ, टमाटर भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे स्टेज पे हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक से दो सेकेंड हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है, इससे ये होता है मसाला जलता नहीं है, इसका जो टेस्ट होता है वो बरकरार रहता है। हमारी आज की रेसिपी अचारी आलू बैंगन के लिए ग्रेवी मसाला अच्छे से तैयार हो चुकी है, पानी डाल के मैंने इसकी 3 से 4 मिनट कर लिए भुनाई की। मसाला हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने जो अचारी मसाला बनाया था जिसमें कलवंजी, सौंफ, मेथी दाना और सफेद जीरा है, ये इसके अंदर यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसको भी हम कर लेंगे फ्राई। 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है इसके अंदर मसाले के अंदर। अचारी मसाले को भी मैंने फ्राई कर लिया है हमारी ग्रेवी के साथ, हमारे मसाले के साथ। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, आलू को काट के मैंने धो लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 मिनट हमने फ्राई करना है आलू को। 1 मिनट आलू फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बैंगन, बैंगन को भी मैंने काट लिया था, बैंगन को भी हम कर लेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट हमने इनको भी फ्राई कर लेना है, बैंगन को भी। आलू और बैंगन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है 2 मिनट। अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है पानी, इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी इसके अंदर ज्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है इसके अंदर। पानी डालने के बाद आलू और बैंगन को बराबर कर लेंगे, नीचे हमने फ्लेम कर देना है लो और इसे 5 मिनट के लिए दम दे देना है हमें। यहाँ पे 3 मिनट हुए हैं हमें दम दिए हुए, हम देख लेते हैं कि हमारे अचारी आलू बैंगन की क्या पोजीशन है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेज पे हमने जो सब्ज मिर्चें रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, इसको हिला लेंगे थोड़ा सा। ये हिलाने के लिए मैंने इसका दम खोला है, इसके अंदर सब्ज मिर्चें भी हमने शामिल कर दी हैं, इसको फिर से 2 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। 5 मिनट हमने पूरे करने हैं, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे अचारी आलू बैंगन की क्या पोजीशन है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बैंगन भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, हमारे आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें बैंगन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें बैंगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब आज की हमारी रेसिपी अचारी आलू बैंगन की हो चुकी है तैयार। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी अचारी आलू बैंगन की तैयार हो चुकी है, बहुत कमाल बनी है, जायकेदार बनी है, बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा।